दोस्तों फोन तो हम सभी के पास है और फोन में सबसे इम्पोर्टेंट है फोन की बैटरी, और जहां भी बैटरी आती है वहां पे एक टर्म आपने कई बार सुना होगा एमएएच को। तो आज हम इस वीडियो में इसी एमएएच के बारे में बात करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है स्नेहल, आप देख रहे हैं टेक्निकल जंक्शन। तो आइए समझते हैं बैटरी के एमएएच को। दोस्तों आज जिस तरह की डिपेंडेबिलिटी हमारी स्मार्टफोन्स पे है, हमें चाहिए वैसे फोन जिसकी बैटरी बैकअप हो बहुत ही अच्छी। और जहां भी बैटरी बैकअप की बात आएगी वहां पे बात आएगी एमएएच की, क्योंकि बैटरी कितना बैकअप देगा ये कहीं ना कहीं डिपेंड करता है वो बैटरी कितने एमएएच की। दोस्तों अगर मैं थ्योरेटिकली बोलूँ तो एमएएच का मतलब है फोन के बैटरी की एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी का मेजरमेंट, मतलब कि आपकी बैटरी कितना पावर होल्ड कर सकती है ये मेजर करेगा वो एमएएच। दोस्तों फोन्स की जो बैटरी की कैपेसिटी मेजर होती है वो मेजर होती है एम्पेयर में, और एक एम्पेयर आप सभी जानते होंगे एक एम्पेयर होती है 1000 मिली एम्पेयर के इक्वल। ये अब इस एमएएच को समझते हैं थोड़ा टेक्निकल टर्म्स में। अब मान लीजिए आपके जो फोन की बैटरी है उसकी कैपेसिटी है 4000 एमएएच, तो इसका मतलब ये है कि 4000 मिली एम्पेयर करंट, मतलब 4 एम्पेयर करंट वो बैटरी ड्रॉ कर सकती है एक घंटे तक कंटिन्यूअसली। इसको फिर से रिपीट कर देता हूँ, 4000 मिली एम्पेयर बैटरी का मतलब है कि 4 एम्पेयर करंट वो बैटरी एक घंटे तक कंटिन्यूसली ड्रॉ कर सकती है। अब मानो कि आपका जो फोन है वो आपकी बैटरी से ड्रॉ कर रहा है 400 मिली एम्पेयर करंट पर आवर, तो फिर आपकी बैटरी की बैकअप हो जाएगी 10 घंटे। वही फोन वही सर्किट अगर ड्रॉ करता है 800 मिली एम्पेयर करंट पर आवर, तो फिर आपकी बैटरी की बैकअप हो जाएगी 5 घंटे। दोस्तों हम सभी के मन में एक बेसिक क्वेश्चन ये होता है एमएएच को रिलेटेड कि क्या हमेशा ज्यादा एमएएच का मतलब ज्यादा बैकअप होता है, तो इसका जवाब है दोस्तों नहीं, क्योंकि बैटरी की कैपेसिटी डिपेंड होती है एमएएच पे, बट एमएएच के साथ साथ और भी कई फैक्टर्स हैं जिसपे फोन की बैटरी की बैकअप डिपेंड करती है। आपने कई बार कई सस्ते फोन में सुना होगा कि इसमें 6000 एमएएच की बैटरी, इसमें 4000 एमएएच की बैटरी है, बट जब आप उसको यूज करोगे तो वो 2 से 3 घंटे में फुल्ली हो जाती है ड्रेन। तो ये क्यों होता है? उन फोन्स की जो सर्किट है वो हर घंटे ज़्यादा करंट ड्रॉ करती है बैटरी से, मतलब कि उसका जो प्रोसेसर है उसकी जो डिस्प्ले है वो बैटरी से ज़्यादा पावर हर घंटे ले रही है, इसीलिए वो बहुत ही जल्दी हो जाएगी ड्रेन। इससे ये क्लियर है दोस्तों कि बैटरी की बैकअप एमएएच पे डिपेंड करती है, बट उसके साथ साथ वो किस सर्किट से जुड़ी हुई है, वो कैसा डिस्प्ले है, उस फोन में कौन सा प्रोसेसर है, उन सारों की डिस्चार्ज रेट क्या है पर घंटे, इस पे डिपेंड करेगी बैटरी की बैकअप। दोस्तों आसान शब्दों में ये थी कहानी एमएएच की। तो अगली बार से आप जब भी फोन खरीदना, आप बैटरी बैकअप के बारे में सोचना तो एमएएच को जरूर ध्यान में रखना, बट उसके साथ साथ और भी कई फैक्टर्स हैं, प्रोसेसर, उसकी डिस्प्ले, उसका कैमरा, इन सबको भी ध्यान में रखिएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज कमेंट और लाइक कर दें, और अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया है तो मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि आपको क्या कमी लगी। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि टेक्नोलॉजी रिलेटेड ऐसे ही मजेदार वीडियोस मैं आपके लिए रोजाना लेके आता रहता हूँ।